किसान भाइयों नमस्कार, मैं मनोज शुक्ला आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैंने यह वीडियो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित एवं अनुशंसित COL के 11206, जिसको इच्छुचार भी कहते हैं, के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। किसान भाइयों, अब आइए वीडियो के मुख्य बिंदु पर आते हैं। भाइयों, आज का विषय है गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित कॉल्क 11206, जिसको इच्छुचार कहते हैं, के बारे में जानकारी। भाइयों, इसको COL के कॉल्क 11206 कहते हैं और इसको मिडलेट भी कहते हैं, और यह उच्च उपज के लिए और अच्छी चीनी किस्म के लिए यह प्रजाति बेहतर मानी जाती है, और इसके लिए जो अनुशंसित क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र, विशेष रूप से मध्य पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान आदि हैं। किसान भाइयों, इस गन्ने की औसत उपज 91.5 टन हेक्टेयर पाई गई है, जो मानक किस्मों से 15 से 25% अधिक है, और यह 12 महीने की फसल में औसत सुक्रोज प्रतिशत और पोल प्रतिशत गन्ना क्रमशः 17.65% और 13.82% इस वैरायटी का पाया गया है। और किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात, यह लाल सड़न रोग के लिए मध्यम प्रतिरोधी है, और इसका बेंत मध्यम मोटा और पीले हरे रंग का होता है, और इसका जो शीर्ष है वो हरा होता है, और इसके पत्ते सीधे और सामने गोलाकार होते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई भी जानकारी विश्वसनीय सोर्स से इकट्ठा करके आपको बताता हूँ। भाइयों, यह जानकारी मैंने भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट से हासिल की है। मुझे आशा एवं विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। अब किसान भाइयों, इसके साथ आप लोग मुझे इजाज़त दें, आपसे मिलूँगा किसी अन्य वीडियो में जो आपके लिए अति आवश्यक और उपयोगी हो। तब तक के लिए आप अपने इस किसान मित्र को इजाज़त दें। आप लोगों को नमस्कार, आदाब। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।